गाइस, क्या रुबीना दलाइक और अभिनव शुक्ला बहुत जल्द बनने वाले हैं पेरेंट्स? क्या दे आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी सून? आखिरकार क्या है ये गुड न्यूज, क्या है पूरी खबर? इसकी जानकारी और इसके पीछे की सच्चाई मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को बता दूं कि लगातार सोशल मीडिया पर रुबीना दलाइक और अभिनव शुक्ला के टू बी पेरेंट्स बनने के लिए सुपर एक्साइटेड दिखते हैं फैंस। अक्सर जब भी पैपराजीज या फिर उनके फैंस हमेशा से उनसे एक ही सवाल करते हैं। अब ऐसे में आपको बता दूं कि आफ्टर ऑल रुबीना और अभिनव के रिश्ते की बात करें तो फाइनली इनके रिश्ते को एक नज़र लग गई थी, यानी कि किसी की नज़र लग गई थी, जिसके बाद दोनों के बीच काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगे थे, बात डिवोर्स तक आ गई थी, जिसके बाद दोनों ने बिग बॉस के घर में जाने का फैसला किया और बिग बॉस सीजन 14 में जाने के बाद इनकी सारी दूरियां ही खत्म हो गई और दोनों और भी ज़्यादा क्लोज आ गए, और भी करीब आ गए, और दोनों के रिश्ते में एक अलग सी वेल बॉन्ड क्रिएट हुई और दोनों काफ़ी ज़्यादा वेल हैप्पी कपल बन गए। ऐसे में अब आपको बता दूं कि यहाँ से अभिनव की और रुबीना की जोड़ी रुबीनव के नाम से काफ़ी पॉपुलर हो गई। वहीं बिग बॉस के घर से निकलने के बाद ऐसे में रुबीना दलाइक जहां बिग बॉस सीजन 14 की विनर बनी, तो वहीं अभिनव शुक्ला भी बैक टू बैक कई ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करते हुए नजर आए। ऐसे में रुबीना और अभिनव के फाइनली अभी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा वेल अच्छे चल रहे हैं इनके रिलेशनशिप, इनकी बॉन्ड भी, और इनके रिश्ते में और भी ज़्यादा वेल कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं हो गई है बिग बॉस के घर से निकलने के बाद। तो दोनों और भी ज़्यादा क्लोज आ गए हैं और अब बस फैंस को बेसब्री से इंतज़ार है कि ये जल्द से जल्द गुड न्यूज सुनाए। ऐसे में रिसेंट एक इंटरव्यू के दौरान जब रुबीना से उनके बेबी को लेकर पूछा गया कि क्या वो बेबी प्लानिंग कर रही हैं, जिस पर रुबीना ने ये खुलासा किया कि फिलहाल मैं ये बोलूंगी कि मैं अभिनव ही मेरे लिए बेबी है, उसे ही संभालना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। तो फिलहाल आपको बता दूं कि जब भी मैं भी मैच्योर हूं, अभिनव भी मैच्योर है, और हम दोनों बेसिकली कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, बट इट्स लाइक वी बोथ आर मैच्योर एनफ और हमें पता है कि कब हमें प्लानिंग करनी है एंड कब वी कैन एक्चुअली प्लान फॉर इट। तो फिलहाल आपको बता दूं कि रुबीना दलाइक ने तो अभी ब्रेक लगा दिया और बताया है कि फिलहाल अभी मैं तो अभिनव को ही पाल रही हूँ क्योंकि ही इज ऑल्सो अ किड फॉर मी। तो बहुत ही प्यारे तरीके से जवाब दिया है रुबीना ने और फाइनली फैंस बस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गुड न्यूज सुनने को मिले हमें रुबीना और अभिनव की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे इस खबर पर? क्या आप भी इस गुड न्यूज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? कमेंट करके जल्दी से बता दें। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें चैनल के साथ।